आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD के बारे में। GERD क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके अंदर जो एसिड पेट में बनता है वह खाने की नली के थ्रू ऊपर आने की कोशिश करता है एंड उसके कारण आपको खट्टी डकारे आना, गले में जलन होना, छाती में जलन होना, हमेशा भारी भारीपन रहना, ऐसी तकलीफें हो सकती हैं। GERD या रिफ्लक्स की डिजीज इंडिया में बहुत कॉमन है। इसके बहुत सारे प्रमुख कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारण जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा तनाव, हमारे खाने पीने की आदतें। हमें ये समझना है कि डॉक्टर आपको इसकी दवाई देंगे, लेकिन हमें ये भी कोशिश करना है कि हम जिंदगी भर दवाई नहीं ले सकते। हमें कोशिश करना है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से या डाइटरी चेंजेस से ही इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। हम जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि दवाइयों के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें सबसे पहले आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमको नौकरी का टेंशन है और आसपास जो बीमारी फैल रही है जैसे कोरोना का टेंशन है, हमें अपने परिवार का टेंशन है। हमें जितना कम तनाव लेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। तो तनाव को कम करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, 1 घंटा सुबह आप खुली एयर में घूमें, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें और योगा करें। उसके अलावा खाने पीने में आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं। जितना आप हाई फैट कंटेंट खाते हैं उससे आपका रिफ्लक्स और ज़्यादा बढ़ता है। कोशिश करें कि चॉकलेट ज़्यादा ना खाएं, चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि स्ट्रेस के कारण बहुत चाय पीते हैं और चाय का दिन में 10-12 कप भी हो जाता है। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर गले में जलन है, गले में तकलीफ है तो हम चाय और पियेंगे या फिर हम अदरक, काली मिर्च, काढ़े ये सब ज़्यादा लेंगे तो हमारा गला ठीक हो जाएगा, जिससे रिफ्लक्स और बढ़ जाता है और जिसके कारण उनका दर्द और बढ़ जाता है। चाय कॉफ़ी, काढ़े, गर्म खाना इन सब का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। कोशिश करें कि अपना खाना नियमित रूप से खाएं। आप ऐसा ना करें कि कभी आपने एक खाना खाया उसके बाद 5-10 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद अचानक से खाया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया। आप जब भी खाएं उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं और नियमित रूप से अपने खाने को खाएं। आप सुबह जिस टाइम पे नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं उसको कांस्टेंट रखें। बीच में 11 बजे के आसपास फ्रूट्स खा लें, 5 बजे के आसपास फ्रूट्स या हल्का सा नाश्ता टाइप का कर लें, जिससे आपका पेट में जो एसिड बनता है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होता जाए। आप जितना गैप बढ़ाते हैं उसमें एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है और आपका एसिड ऊपर आके गले में परेशानी देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सिंपल एसिडिटी का तकलीफ होता है और उसकी वजह से उसको खांसी होती है, जिसकी वजह से उसका एस्थमा का इलाज सालों साल चल रहा होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ को हम लोग सिर्फ अपनी डाइट से भी ठीक कर सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं, जो कोई बड़ा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद अचानक से लेटे नहीं, 1.5-2 घंटा घूमें, उसके बाद आप लेटें। जब आपने लेटना है तो अचानक से बिल्कुल सीधा नहीं लेटना है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि करवट लेके लेटें और सर को थोड़ा सा एलिवेट करके लेटें। एलिवेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरफ पे आप अपना सर रखते हैं उस तरफ पे बेड के नीचे आप 2 ईंटें रख लें तो आपका पूरा बेड थोड़ा उठ जाएगा। आप सिर्फ तकिया लगाते हैं तो उससे सिर्फ सर ऊपर होता है, आपकी छाती ऊपर नहीं होती, तो जिसकी वजह से रिफ्लक्स कम नहीं होगा। मार्केट में GERD पिलोज, GERD पिलोज करके पिलोज भी अवेलेबल हैं, जो कि ट्रायंगुलर पिलोज होते हैं, जिस पे अगर आप सोते हैं तो आप पूरा एलिवेट हो जाते हैं और आपका रिफ्लक्स कम हो जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो रात का डिनर है वो आप सोने से 3 घंटे पहले ही कर लें और डिनर को हमेशा लाइट रखें, हैवी डिनर ना करें। उसके अलावा आपने बहुत टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने हैं, स्पेशली जो वेस्ट के आसपास बहुत टाइट होते हैं, उसकी वजह से आपका रिफ्लक्स बढ़ जाता है और आपका सारा खाना और सारा एसिड ऊपर आने की कोशिश करता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप वेट रिडक्शन की कोशिश करें, क्योंकि जितना वजन ज़्यादा होता है उससे भी ये सब रिफ्लक्स बढ़ जाता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से 2 फायदे हैं, एक तो रिफ्लक्स भी कम होगा, आपका वजन भी कम होगा और तनाव भी कम होगा।
तो आपने ये कोशिश करनी है कि दवाइयों पे जाने के बजाय आप इन सब चीजों से जितना ज्यादा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ही मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदलें और गर्ड को हराएं। थैंक यू।